आज लार्ज कैप इंडेक्स काफी अच्छा खासा जंप लिया है। आज अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो करीबन 0.96% जंप लेता हुआ देखने को मिला है। करीबन 700 से लेके 800 पॉइंट का छलांग लगाया है। आज लार्ज कैप इंडेक्स में काफी अच्छा आंकड़ा देखने को मिला है। कल के दिन लार्ज कैप इंडेक्स में दबाव ज्यादा देखने को मिला, करीबन 1.5% के आसपास, और आज कह सकते हो कि करीबन 1% के आसपास आंकड़ा लार्ज कैप इंडेक्स में मजबूत देखने को मिला। ये सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट का आज मूवमेंट कैसा रहा, कैसे आज इंडेक्स ने आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। देखो, सबसे पहले अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो करीबन 0.91% जंप लेता हुआ देखने को मिला, 216 पॉइंट यहां पे जुड़ता है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में करीबन 0.95% का जंप देखने को मिला, 84 पॉइंट यहां पे ऐड होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 में करीबन 0.16% यहां पे जंप देखने को मिला। अगर मैं BSE स्मॉल कैप की बात करूं तो 417 पॉइंट यहां पे जुड़ा है, 0.76% का रिटर्न देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप 50 में 0.23% और निफ्टी IT 0.41% का जंप लेता हुआ देखने को मिला। आज के आंकड़ों की बात करूं तो देखो, आज स्मॉल कैप और लार्ज कैप इंडेक्स में मूवमेंट सही देखने को मिला है। देखो, एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊं तो आज अगर आप नोटिस करोगे तो फिर से अदानी के स्टॉक काफ़ी यहाँ पे मजबूत आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखो, अगर मैं देखूँ तो अदानी का स्टॉक्स जो आपके सामने है, ACC करीबन 1.5% के ऊपर आज छलांग लगाया, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन करीबन 13 से 14, अदानी इंटरप्राइजेस 0.84, अदानी ग्रीन एनर्जी 21% के ऊपर, अदानी पोर्ट करीबन 1 से 2%, अदानी पावर आज करीबन 1% गिरता हुआ देखने को मिला, अदानी टोटल गैस यहाँ पे 0.35%, अदानी बिल्मर 0.10 और अंबुजा सीमेंट 4% के ऊपर का आज आंकड़ा दिया है। अगर आप देखोगे तो अदानी जो यहाँ पे एनर्जी सॉल्यूशन है और जो अदानी ग्रीन एनर्जी है, इन दोनों स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा जंप लेता हुआ देखने को मिला है। और पिछले 3 दिन में कई ऐसे अदानी के स्टॉक्स हैं जो 40% के ऊपर का रिटर्न दिए। आंकड़े सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, अदानी टोटल गैस की बात करूं, 20 नवंबर से अभी तक का जो आंकड़ा है वो करीबन 40% के आसपास देखने को मिल रहा है, 226 रुपये ये जंप देखने को मिला है। अगर मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां भी 26 नवंबर से अभी तक का जो आंकड़ा देखोगे वो 37% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी, जो कि मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, 46% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है 26 नवंबर से अभी तक का जो आंकड़ा है। और वैसे ही अदानी पावर की बात करूं तो यहां भी 115 रुपए ऐड हुए हैं सिर्फ 26 नवंबर से अब तक का डेटा है, 27% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अदानी के स्टॉक्स में पिछले 3 दिन में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और इसके चलते मार्केट में कुछ ठहराव देखने को मिला है। खरीदारी जो अदानी के स्टॉक्स में हुआ है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थमता हुआ देखने को मिल रहा है। हाँ, मार्केट वोलेटाइल है, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। और देखो, अदानी के स्टॉक्स जो ये जंप ले रहे हैं, पिछले 3 दिन में जो इतना बड़ा फिगर चेंज होता हुआ देखने को मिला, यहाँ क्वांट म्यूचुअल फंड्स के फंड्स पे इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस 3 से 4 दिन में ऐसे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न भी करीबन 8 से 9% जंप लेता हुआ देखने को मिले। लेकिन चलते हैं, आज मार्केट के जो स्थिति रहा उसमें सबसे बड़ा योगदान कैसे स्टॉक्स का रहा और कैसे स्टॉक्स ने मार्केट को नीचे खींचने का कोशिश किया। देखो, अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को हेल्प किए, भारती एयरटेल करीबन 4% के ऊपर जंप लिया, सिप्ला करीबन 3% के आसपास, सन फार्मा में करीबन 2.69%, M&M में 2.33% और अदानी पोर्ट करीबन 1.92% जंप लेता हुआ देखने को मिला। जो स्टॉक्स यहाँ मार्केट को नीचे खींच रहे हैं आज, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन करीबन 1.27% का दबाव, श्रीराम फिनांस 0.79% का नुकसान, हीरो मोटोकॉर्प में 0.46% का नुकसान, अपोलो हॉस्पिटल की बात करूँ तो करीबन 0.18 और नेस्ले में मामूली सा 1 से 2 रुपए का नुकसान आज देखने को मिला। लेकिन जो आज लार्ज कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिला, ये कब तक तेजी देखने को मिल सकता है ये कोई नहीं कह सकता है। देखो, अगर कुछ बैड न्यूज़ आया, कल मार्केट में फिर से नुकसान देखने को मिलेगा। और अगर पिछले 4 से 5 दिन का आंकड़ा देखें तो एक दिन मार्केट संभलता हुआ देखने को मिल रहा है, एक दिन मार्केट में दबाव है, एक दिन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि अच्छा, अब मार्केट में लगता है खरीदारी बढ़ेगा, लेकिन दूसरे दिन फिर मार्केट बदल जाता है।
तो ऐसे में अभी कहना काफी मुश्किल होगा कि यहाँ पे मार्केट क्या ऊपर की ओर भागेगा या नीचे की ओर यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आंकड़े यही है कि जब तक निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे 24,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, खरीदारी यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है, दबाव मार्केट में बनता हुआ देखने को मिलेगा। देखो, आज की बात करें तो FII के साइड से आज बिकवाली फिर से देखने को मिला है और लगातार ये डेटा मार्केट में दबाव बना रहा है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो 4,383 करोड़ का FII के साइड से बिकवाली देखने को मिला, हालांकि DII के साइड से खरीदारी है 5,723। चलिए, अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए आंकड़े रखूंगा कि 2024 में कैसे म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। मैं आपके सामने पांच कैटेगरी रखूंगा, उस पांच कैटेगरी में से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी रखूंगा जहां पे पैसा सबसे ज्यादा बनता हुआ देखने को मिला है 2024 में। अगर आप नोटिस करोगे, फार्मा सेक्टर ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है और 2024 में फार्मा सेक्टर में यहाँ पे करीबन 30% 35% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे HDFC का जो फार्मा हेल्थ केयर फंड है, उसका रिटर्न फार्मा कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इवन 41 से 42% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूँ तो ICICI प्रूडेंशियल का यहाँ पे फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है, उसका आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है, इवन यहाँ पे 39 से 40% का रिटर्न 2024 में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे वो कौन सा कैटेगरी है जो 2024 में सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया, PSU फंड्स की बात करूँगा। PSU फंड्स में यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। एवरेज अगर मैं आंकड़ों पे नज़र डालूँ तो यहाँ पे करीबन आप देखोगे तो 29 से 30% का रिटर्न ऐसे कैटेगरी के फंड्स में देखने को मिला है। सामने फंड का नाम रखूँ तो इन्वेस्टको इंडिया जो PSU इक्विटी फंड है, वहाँ पे करीबन ऑलमोस्ट 30 से 31% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ 2024 का आंकड़ा है। CPSE ETF का भी आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। इस कैटेगरी में ये दो फंड है, जी हाँ, एक ETF और एक फंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए, अगर मैं तीसरे कैटेगरी की बात करूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में यहाँ पे पैसा 29% के आसपास ऑन द एवरेज देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा पैसा बनता हुआ कैसे फंड का यहाँ पे आंकड़ा है, तो यहाँ पे LIC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 2024 में पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। इवन आप कह सकते हो कि 45 से 46% का रिटर्न LIC के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। दूसरे फंड की बात करूँ तो जो बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका भी रिटर्न इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, करीबन 38 से 39% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, ये 2024 का आंकड़ा है। चलिए, अब अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, स्मॉल कैप कैटेगरी कैटेगरी में भी कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 2024 में सबसे ज़्यादा पैसा बना दिए हैं। अगर मैं ओन द एवरेज आंकड़ों की बात करूँ तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ओन द एवरेज 25 से 26% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाता हुआ फंड देखने को मिल रहा है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। करीबन अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 41 से 42% का रिटर्न बंधन स्मॉल कैप का है और दूसरे नंबर पे मैं आंकड़ा रखूं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है, करीबन यहाँ पे जो रिटर्न है वो 40 से 41% का पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ 2024 का आंकड़ा है। चलिए, अब अगले कैटेगरी की बात करते हैं। 2024 में जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिला, जी हाँ, स्मॉल कैप के बाद मिड कैप कैटेगरी की बात करूँगा। यहाँ पे ऑन द एवरेज अगर आप देखोगे तो करीबन 25 से 26% का रिटर्न यहाँ भी बनता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो पैसा बना के दिया है मिड कैप कैटेगरी में, जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का आंकड़ा है, करीबन यहाँ पे 49 से 50% का रिटर्न 2024 में देखने को मिल रहा है। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे इन्वेस्टको इंडिया मीट के फंड है, करीबन 38 से 39% का रिटर्न 2024 में देखने को मिल रहा है। 2024 अभी फिनिश नहीं हुआ, करीबन एक महीने का समय बचा हुआ है। इस 11 मंथ में ऐसे म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी का फंड यहाँ पे पैसा बनाता हुआ देखने को मिल रहा है? फार्मा सेक्टर। दूसरे नंबर पे अगर बात करूँ तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करूँगा। तीसरे नंबर पे बात करूँ तो PSU फंड की बात करूँगा। चौथे नंबर पे बात करूँ तो स्मॉल कैप कैटेगरी और पाँचवें नंबर पे यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी। ये पाँच ऐसे कैटेगरी हैं जो 2024 में सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिए हैं इन्वेस्टर के सामने। ये अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शुरुआती दौर में SIP तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मार्केट में जब दबाव होता है तो अपने SIP को रोक देते हैं। उनको ये लगता है कि SIP जो है, हम अब नीचे से स्टार्ट करेंगे और गिरावट होगा। तो कई लोग मैनुअल SIP करते हैं,
वो बोलते हैं सर कभी भी मैं SIP कर लूँगा, जब मार्केट गिरेगा तो मैं SIP कर लूँगा, और नहीं गिरेगा तो मैं SIP को स्किप कर दूंगा। देखो इन्वेस्टमेंट, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन ब्रेक करोगे तो एग्जैक्टली आपको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लो साल के 12 महीने हैं, आपने 12 इंस्टॉलमेंट क्या पैसा इन्वेस्ट किया है। हो सकता है कि कई बार आप स्किप कर दो, मार्केट आपको मौका ना दे, आपने 5 से 6 इंस्टॉलमेंट ही इन्वेस्ट किया। तो जब अगर आप SIP कर रहे हो और मैनुअल SIP कर रहे हो, अपने डिसिप्लिन को बार बार ब्रेक करोगे तो वो बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो पैसा भी वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे, शुरुआत के 5 साल है, अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो एग्जैक्टली आपको 10 साल 15 साल के वही शुरुआत के 5 साल जो आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया अपने SIP में, वही ज़्यादा पैसा बना के दिखा। तो ये गलती ना करें। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शुरुआती दौर में गलती करते हैं। ये कुछ विश्लेषण थे इन्वेस्टर के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब कर, तो भी स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।